कंधों में दर्द है। सरदारों को दर्द हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। पेट भी भारी जाता है जी, पेट भी भारी जाता है। आपको क्या अभी दर्द है ये इस टाइम? हाँ दर्द है थोड़ा, उठने बैठने नहीं, उठने बैठने में अगर दर्द होते हैं तो मेरे नहीं है, ये बात बता रहा हूँ मैं सरदार जी। ऐसे भी है, आपको जोड़ों पे तेल लगाना है, अगर ऐसे अभी खड़े हो और दर्द महसूस हो रहा है तो बताओ। हाँ ना, ऐसे ही टाइम खराब नहीं करना मेरा, कीमती है थोड़ा। दर्द हो रहा है? हाँ, एक हफ्ते में। नाम बताइए। राजेंद्र सिंह। ए, तेरी बहन जी की क्या मरी नहीं है? सब इसी से आ रहे हैं, चीजें बहुत है अभी तुम्हारे घर में, यही समझ में नहीं आया कहाँ से लेके आए। कोई ना कोई तांत्रिक जरूर मिलेगा तुम्हारे कुल खानदान में, चाहे वो इधर वाले में मिले चाहे उधर वाले में मिले। पूछा नहीं अपनी मम्मी से कौन भूत प्रेत निकालता था, या नाना निकालता था कि दादा निकालता था या पापा निकालता है? कोई तो पाएगा ना, इतनी चीजें कहां से आ गई तुम्हारे? Mm-hmm.
बताइए सरदार जी, दर्द कहाँ? अरे दर्द कहाँ है, पेट तो भारी है ही, वैसे ही पेट का वजन ही 100 किलो अलग से। कभी इसमें चला जाता कभी अभी कहाँ है? अरे अभी है कहाँ यार, कमाल इतना, वही तो पूछ रहा हूँ कितना है। देखो उठा के पैर, कभी कह रहे हो इधर है, कभी कह रहे हो उधर है, सरदार किधर है? थोड़ा बहुत रह रहा होगा तभी ऐसे को। जब छोटा तत्व होता है तो कहीं बैठा हुआ मन नजर आता है, जब बड़ा तत्व होता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है, क्योंकि वो रम चुका होता है पूरे शरीर को, हमारे खुद के आत्मा की तरह ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और वो लोग मूर्ख है जो कहते हैं एक शरीर में दूसरी आत्मा नहीं हो सकती, आ सकती है एक के रहते, तब वो माँ के गर्भ को भूल जाता है कि माँ के गर्भ में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 आत्मा भी आ सकती है। तब वो ये नहीं जानते कि जिस तरह वो आ गई और वो तो शरीर के साथ आ गई, तो बिना शरीर के क्यों नहीं आ सकती है? ठीक है, तब भारत में मूर्खों की कमी नहीं है, भंडार है मूर्खों का। मैंने बता दिया सरदार जी, आज तक कोई ससुरा नेता ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसमें ये कहा हो कि भारत धर्म सापेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, और बैठ के बहस करते हैं कहां पे, संसद में। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि भारत धर्म रहित है, और जो धर्म रहित है फिर उसमें धर्म किया क्यों जाए? ठीक है, फिर उसमें दान किया क्यों जाए? फिर उसमें धर्म किया क्यों जाए? फिर उसमें यज्ञ किया क्यों जाए? और इसलिए ये चीजें बंद कराने पर लगी हुई है सरकार, क्योंकि उन्होंने शब्द ही ऐसा दे दिया है। तो जो दान करता है, जो धर्म करता है, जो यज्ञ करता है, धर्म की बातें सिखाता है, उसको जेल में बंद कर दो। संविधान के अनुकूल ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि भारत धर्म निरपेक्ष देश है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है तो धर्म रहित हो, ना कि धर्म। ठीक है, हम समझ रहे हैं भारत धर्म सापेक्ष देश है, और कितना सारा मिनिस्टर आके चला गया, किसी की बुद्धि में ये बात आती नहीं, कोई महात्मा तक नहीं बताता। इतने सारे महात्मा, इतने सारे संत, इतने सारे भक्त, अरे भाई कभी तो चेता दो, कह तो दो बार 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 बार, कल भी परसों भी, क्या कहते हैं, सभी के भाषण में, जितने बड़े बड़े नेता है सबके भाषण में, चाहे प्रतिद्वंदी पक्ष हो और चाहे विपरीत पक्ष हो और चाहे जो है अभी जो सापेक्ष में है वो पक्ष हो, तो कोई भी ये नहीं कह रहा कि भारत धर्म सापेक्ष देश है। खुश होकर बता रहे छाती चौड़ी करके कि भारत धर्म निरपेक्ष देश है। बताओ तो भारत मूर्खों का देश है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और मूर्खों के बीच में मैं भी मूर्ख ही हूँ सरदार जी, क्योंकि जो अपनी बात कह रहा है उसकी बात को सुना तो जा नहीं रहा, समझा तो जा नहीं रहा। मैं बता रहा हूँ कि भारत में 2-3 जितने भी ऋषि हुए हैं भारत के सारे उन्होंने जितने मंत्र निर्माण किए सभी मंत्रों में लिखा है कि इससे भूत प्रेत पिशाच भय खाते हैं। तुलसीदास जी भी लिख गए, तब भी भारत का प्रत्येक आदमी ये कहता है कि भूत प्रेत पिशाच आदि तो केवल कल्पना मात्र है और ये ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। देखिए बोलिए शनिदेव महाराज की। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत में तो पढ़ा लिखा कोई है ना, भारत की तो बुद्धि लुंज है और भारत की तो शिक्षा भी ऐसी है जो इतनी टेंशन देती है, इतनी टेंशन देती है, कुछ है नहीं, जो मैंने भी झेली है, मेरा पूरा परिवार झेल रहा है। शिक्षा भी पाओ और नौकरी भी मत पाओ, ये भी है, नहीं समझे आप? शिक्षा भी पाओ, शिक्षा के ऊपर पैसा भी खर्च करो जो कमाओ सारी जिंदगी, और फिर नौकरी भी लेना, फिर टेंशन में आ जाओ और फिर अपने आप को नीचे गिरा लो, क्योंकि शिक्षा का स्तर नीचे गिरा हुआ है तो सोचते क्या है, मरने की सोचते हैं, जीने की सोचते नहीं। अब महात्मा थोड़े ना, संत थोड़े ना, वे ऋषि थोड़े ना जिनके गुरुकुल चलते थे, जो बच्चे को परिपक्व बनाते थे और आत्मा का वजन आत्मा की बात बताते थे। अब कौन सी क्लास में आत्मा की बात आती है बताना जरा, बताओ भाई मुझे। अरे आत्मा के बारे में कौन सी क्लास में सिखाया जाता है? ठीक है, तो पता कैसे चलेगा बच्चों को? आत्मा की तो हत्या नहीं होती, फिर आत्महत्या शब्द ही क्यों दिया? क्यों दिया? जब शरीर की हत्या होती है, शरीर मरता है, उसमें से प्राण चला जाता है, आत्मा की तो हत्या ही नहीं कर सकता कोई, फिर क्यों गीता के विपरीत जाके आत्महत्या का शब्द दिया गया? ये तो शरीर की हत्या थी, क्यों नहीं कहता कोई? कहां गए सारे भारत के बड़े बड़े क्या कहते हैं महात्मा संत भक्त, क्यों नहीं करते? वे धोखा चल रहा है, छल चल रहा है हमारे साथ। ठीक है, अंग्रेज के आगे हमारी बुद्धि को नष्ट कर गए, मुगलों के गुलाम क्या हुए, हमारा सारा धर्मशास्त्र खत्म हो गया, हमारी बुद्धियां लुंज हो गई, माना गैर के गले में घूमते हैं, कोई नहीं बोलता कि आत्महत्या है क्या, ये शब्द आया क्यों, इसको हटाया जाए सब जगह से, धर्म
भारत में धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्म सापेक्ष हो सकता है, इस शब्द को हटाया जाए। कितने लोगों ने कहा? आपने कहा सरदार जी? क्यों नहीं कहा बताइए? तो आप अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? फिर कैसे कह देंगे कि आप भारत में भांति भांति के लोग रहते हैं, भांति भांति के धर्मों की पूजा करते हैं? तो रहता ही नहीं कोई ऐसा धर्म वाला, क्योंकि भारत तो धर्म निरपेक्ष देश है। चलिए बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। अरे बैठ जा, तुझे नहीं बुला रहा हूँ बहन जी, बैठ जा। अरे आ जा भाई, सर्वाइकल।